ये देख लो। ये अंकल को लगा कि अगर ज्यादा पंख होंगे तो जल्दी उड़ेगा, लो उड़ गया। और इन्होंने सोचा कि इतना सस्ता बनाऊं कि लोग घर से निकलते ही इनका एयरक्राफ्ट लेके उड़ लें। ये लो हड्डी तोड़ एयरक्राफ्ट। भाई साहब खाना पानी सब बाहर। और ये हैं अब तक के सबसे महान ताऊ जी। अब इन ताऊ जी के बारे में क्या कहूं। पर ऑन सीरियस नोट, अगर ये लोग ना होते तो आज हमारे पास एयरक्राफ्ट भी ना होता। तो इंजीनियर्स को उनकी मेहनत के लिए एक सैल्यूट। अब चलते हैं सीधा मुद्दे पर। बहुत ऊंचाई पर उड़ने की वजह से हवा हल्की होने कारण ये एयरक्राफ्ट भयंकर तेल पीते थे। इसे आप इस बात से समझ सकते हो कि जैसे कोई ग्लास से पानी पीने वाला बंदा एकदम बाल्टी उठाकर पीने लगे। और अब सुनना बहुत ध्यान से, फैन ब्लेड के घूमने की रफ्तार जिससे जनरेट होती थी शॉक वेव, और यही शॉक वेव इसको तेज उड़ने से रोकती थी। जबकि जेट इंजन में प्रोपेलर था ही नहीं, ना रहा बांस और ना बजी बांसुरी। और ब्लैक बर्ड के पायलट को तो ये बोला गया था कि जैसे ही रडार पे मिसाइल दिखे, बेटा बटन दबाओ और निकलो, मिसाइल विसाइल के बस की नहीं है तुमको पकड़ पाना। जेट इंजन पर एक लॉन्ग वीडियो बस बनने ही वाली है। और अब आपके लिए सवाल, हमारे प्यारे भारत के सबसे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? कमेंट में अपना जवाब लिखें।